ଟା and Rahul joining me here. So these are two people. Yes, all the love is showering. So I think most of you all know them. You all know how content driven they are. She's been a film journalist. He is an actor. He's done a lot of very quirky roles, very entertaining and interesting ones. So can you all tell us what was the inspiration coming up, you know, behind coming up with a concept like Neel Samandar? Raaz kya hai? पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं. डांसिंग शैडोज एक्चुअली बहुत टाइम से एक ऐसा सपना था, एक ऐसा ड्रीम था. माइक माइक और पीछे का एलईडी बंद करा दीजिए. वैसे तो माइक की जरूरत नहीं है, थिएटर काफी किया हुआ है. सो बेसिकली ये एक ऐसा सपना था जो काफी टाइम से, जब मैं एक्टिंग में आया था दिल्ली से शुरुआत करी, एक एक्टिंग की, थिएटर किया, बॉम्बे आए, काफ़ी कुछ किया एक्टिंग में. और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने के बाद महसूस हुआ कि अगर इस सिटी में कुछ डिफरेंस लेके आना है तो ख़ुद कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का एक विज़न होता है. और जो मैंने अपने मेंटोर से, अपने गुरुओं से जो सीखा, वो जब मैं ईशा के साथ शेयर करता था, बिकॉज ईशा जो हैं वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हैं, तो कहीं ना कहीं एक फिक्शन और रियलिटी का मिक्सचर, जब एक्सचेंज आइडियाज़ के बारे में बात होती थी तो हमेशा यही डिस्कशन होता था कि किस तरह का सेकंड स्टेप लिया जाए. बिकॉज ईशा भी जर्नलिज्म कर चुकी थी, मैं भी अपना एक्टिंग थिएटर करते 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 काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुका था बॉम्बे के बारे में. लगा अब कुछ ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर हम एक नया एक रास्ता निकाल पाएँ, जहाँ पर एक एंटरटेनमेंट और जिसे बोल देंगे कि गुड कंटेंट का एक तरीका सामने आए. सो आई थिंक उसके चलते हुए दादा से मुलाकात हुई, स्वानंद जी को मैं दिल्ली थिएटर टाइम से कहीं ना कहीं एक्टवान एन के शर्मा जी के थ्रू जानता हूँ, ईला जी के सर के साथ काफ़ी समय बिताया, राम गोपाल बजाज जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मेरे बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं. आई एम वेरी ओवरवेलम्ड राइट नाउ एंड हम्बल्ड. और ये करते करते महसूस हुआ कि एक कुछ अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करते हैं, क्योंकि आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे आर कंट्री इंडिया, हमारे यहाँ पर म्यूज़िक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर ओकेजन के लिए यहाँ पर अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाती है तो म्यूज़िक जो है वो सबसे पहले दिमाग में आता है. एंड आई थिंक उसके लिए दादा प्रदीप सरकार जी से बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता था उसको, हमारे विजन को उसको फुलफिल करने के लिए. सो आई थिंक हमने तो बस एक शुरुआत करी थी, वो जब अब आप देखेंगे जब हम लोगों के जब जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें म्यूजिक वीडियो बनाना है,
तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में दादा के ही आया कि हम लोग दादा के पास चलते हैं, दादा को अपना, दादा से बात करते हैं, दादा को अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या करना है। तो दादा ने फिर, बस दादा के हाथ में जाने के बाद तो फिर वो, उसको तो कुछ अच्छा बनना ही था। और आज आप लोगों के सामने नील समुंदर है, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत यहाँ पे जितने लोग हैं सबने की है। मैं बस अब दादा से चाहूंगा कि दादा आए और प्लीज सबको वो पेश करें जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है। दादा प्लीज कुछ ताकि कुछ दो शब्द बोलें और ताकि हम इनको सबको दिखाएं। Ladies and gentlemen, we have with us a man who needs no introduction. Swanand ji, please आइए। अरे मैं तो तेरे पकड़ के खड़ा हूँ। ये utility है actually. Hello. मैं स्वानंद तो काफ़ी हद तक बहुत पुराने दोस्ती है और बोल भी गया तब के और इसके सहारे मैं खड़ा रहता हूँ क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो तो दिमाग में घूमता रहता है कुछ ना कुछ लाइन्स वगैरह और पर लिख नहीं पाता हूँ मैं मैंने हिंदी शुक्र है हिंदी बहुत कमज़ोर है तो इसको बुला लेता हूँ भाई ये कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ आइडिया तो आएगा क्या लिख लेंगे कुछ मैंने बोला यार ये देख ये कि जगह बहुत बढ़िया है ये अपना एक बंदा है अंकित मेरे साथ वो मिला था आके और ये यहाँ का बहुत जगह अच्छा देखने में भी है मस्त एकदम तो उसके साथ कुछ बनाते हैं और जगह बहुत अच्छा बोला इसने कि ये जगह बहुत ही बढ़िया जगह है अंदामान से अंदामान मैंने तो मैं सोचा भी नहीं था मैं अंदामान जाके शूट करूँगा क्योंकि इतना दूर है और इतना नील है ये पता नहीं कैसे जाऊँ बट वी रीच्ड एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल नील समंदर एंड आफ्टर रेकी आई टोल्ड हिम बॉस कुछ देख ये देख एंड ही फर्स्ट थिंग ही सेड वाज नील समंदर है ना अरे वा इसका लाइन्स आप जब सुनोगे जब लाइन्स और जब देखोगे ना कि कैसे इन्होंने एक 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 स्टोरी जो कि पता नहीं कब का है नहीं एक्चुअली नॉट टू लेट रियल स्टोरी कुछ तो वहाँ पे एंड दैट स्टोरी हैज बीन ब्रॉट आउट ब्यूटीफुली इन लाइंस एज इन क्या बोला गया है एंड वी हैव ऑल ट्राइड टू गेट अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद नेचर एंड यू नो एंड द यू नो I would say आंदामान के जो आदिवासी हैं और जो दूसरे जो साइड में हमारे जो लोग हैं उनके दो रिलेशनशिप क्या हो तो हो सकता है वो एक उभारने की कोशिश कर रहे हैं सब उसके बाद मैं क्या बोलूँ मैं ये बोलता हूँ कि जब दादा बुलाते हैं कहते हैं कुछ ऐसा करना है तो आप ये समझ लो कि कुछ मतलब सारे गाने हम मैंने दादा के लिए जितने भी लिखे हैं वो सब ऐसे ही लिखे हैं कि तू आ जा यार कुछ कर दे लिख दे वो एक, 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 एक लाइन हो जाए कौन से अभी जो ये गाने की बात कर अरे वो बाद में करें तो दादा के साथ तो करने में तो यही लेकिन दादा और दादा शूट करते करते तू अरे नील समंदर है दादा ये गाने का रिश्ता है मेरा दादा का बावरा मन देखने चला एक सपना नील समंदर उसके बाद मीर ब्रदर्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ इसमें जिनके आने से इसमें जो है जिसको कहते हैं ना लहसुन वाला तड़का लगा जो तड़का जिसका जिसके मजे आते हैं मतलब जो दादा की स्टोरी टेलिंग है मेरे वर्ड्स है उसको एक जो मुझे पंच चाहिए था ये पंच कहाँ से मिलेगा यू नो एंड आई न्यू मीत ब्रदर्स इन्स ए लॉन्ग 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 टाइम यू नो पर काम फाइनली कुछ हुआ वो नहीं रहा ठीक है बातचीत चल रहा था कभी के बाद देन उसके बाद सोचा कि पता नहीं अभी वो आफ्टर चिट्ठियाँ कलाइया बात करेगा कि नहीं पर वो बात किया एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल दे आर रियली गुड पीपल यार यू नो दे आर रियली गुड पीपल वी आर ऑल वर्किंग विद गुड पीपल यस वी डू यस अब बैठे ना अब देखते हैं। थैंक यू वेरी मच आई थिंक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच हैज गॉन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ नील समंदर
टीम ज्यादातर सभी से आप तो मिल चुके हो, बट दो लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. द वॉइस बिहाइंड नील समंदर प्रकृति, वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, एंड ऑफ कोर्स द फ्रेश न्यू फेस, द फेस ऑफ नील समंदर, वी हैव अंकित डिसूजा. कैन आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम टू प्लीज जॉइन मी हियर? ओके, सो जस्ट बिफोर वी हैव द वीडियो, कैन आई हैव प्रकृति जॉइनिंग मी हियर प्लीज? All right. So program mein thoda sa change hai. What I'm going to ask you to do, okay, Ankit, can I request you to go back? Settle down, because I think ab theater bhi rukna nahi chahta hai. Everybody wants to watch Neel Samandar, right? Yes. Can we have the video on screen, please? We also request the voice behind Neel Samandar Prakriti to join us here, please. Anyway, I think we've all seen the video. We've had an opportunity to listen to all these stunning voices. Over to you. What would you like to say to everybody who's joined us here today? I think this day belongs to the people who are actually behind it. The director, the team, the crew, the fantastic crew of Apo, who is also here. Ankit, I think this day belongs to them. Rather than us, we are just the background. I think this day belongs to them. So I just want to hand over to Ankit. First of all, good evening everyone, and thank you so much for coming. It's really been a very big day, very special journey for me. Especially the first thing, I would like to thank Dada for giving me this opportunity. I would like to thank Rahul and Isha ji for giving me this opportunity. It's really been a special journey for me yet. And the main part, the most exciting thing to tell you this, I'm actually from Andaman and Nicobar Islands. I belong from there, and this was really special and really close to my heart, being there and representing the whole Andaman and Nicobar Islands, and especially this love story was an epic journey for me. Thank you so much, Dada, for this opportunity, and I really hope this goes out well for me. Thank you so much. Actually, एक और इंसान है जिसके बिना ये music video possible नहीं था. वो है रिचा चड्ढा और उसके साथ साथ मीत ब्रदर्स. वो दोनों आज हमारे बीच में तो नहीं है, बिकॉज लाइक दे आर शूटिंग. बहुत रिचा जो है एक अलग जगह पे शूट कर रही है, और मीत ब्रदर्स जो हैं वो अपना इवेंट में बिजी हैं. सो दे ट्राई, आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत सा स्वीट सा एक मैसेज भेजा हम लोगों के लिए. सो मैं चाहूँगा कि वो एक बार हम देख लें. अभी नजर गजब कर गई, शराबी नजर असर कर गई. आई एम अनमीत, वी द मीत ब्रोज, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. आज गाना जो हमारा स्क्रीन होने जा रहा है, न्यू सिंगल, टू प्रदीप दादा एंड हिज एक्सलेंट टीम हुज मेड अ फैबुलस वीडियो, एंड अंकित एंड रिचा हुज looking like superstars in the video. Yes, and Sudhanshu bhai for putting all this together for us, and we had a great time working with Dada as always. He's one of the most amazing people to work with, and this song written by Swanand Kirkire, it's our first outing with him, so we really hope that you all like this song, and we're very sorry that aaj hum iska we couldn't be a part of this. Also very important people, Benny Dayal and Prakriti Kakkar, who've sung this song, given great vocals to our tune. Thank you so much for the whole support, the entire team. Enjoy the song, guys. God bless. All the people from FO, Lekha, Manohar Verma ji, Bhabhi, please, aap bhi aaiye sabke saath, please. Please, please, Bhabhi. Actually, ye sara idea jo tha, jo concept aur story ka hai, wo Bhabhi ka tha. To main to main chahunga Bhabhi ispe zarur batayenge ye idea kahan se aaya. Please, you all have put up a stunning project. Manohar ji, Malvika, please come. Please. नीचे बैठो. क्या
बजाने का देखने का बहुत मेरा शौक था. मैं जब एमएससी कर रही थी, हमारा पूरा टीम अंडमान टूर में गए थे, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा शादी होने वाली थी, तो मैं मिस कर गई थी. तो जैसे ही अंकित ने बोला मैं अंडमान से हूँ, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ली और बोली चलो हम लोग उधर जाके शूट करते हैं. नया लोकेल, नया वो, इतना ही मेरा. मनोहर जी कैसा मजा आया, मतलब अंकित को आपने काफी सारे स्टंट्स वगैरह करवाए, जरा बताइए. एक्चुअली अंकित को हमने पहला बहुत फाइट्स के लिए हमने ट्रेनिंग दिया था, लेकिन अंडमान निकोबार में मैंने दादा को देखा, बिकॉज इट वाज अ बहुत बैड जर्नी थी हमारी, क्योंकि इतना पानी का वेव्स था और हमको ऐसा नहीं कि बड़ी बोट थी, हमारे पास छोटी बोट थी, क्योंकि ऐसे एक आइलैंड पे जाना था हमको कि वहाँ बड़ी बोट जा ही नहीं सकती थी. और दादा को जब मैंने देखा उस बोट पे जाते हुए, एंड इट वाज अ वेरी पेनफुल फॉर एवरीबडी, बट दादा का जो एनर्जी लेवल हमने देखा कि हम लोग थक जाते थे लेकिन दादा थकते नहीं थे. एंड अंकित रियली यू डन अ वेरी गुड जॉब, और मैं ये कहूँगा कि अंकित ने जो मेहनत की थी स्टार्ट के अंदर, वो मेहनत आपको स्क्रीन पे देखी होगी. जब हमने एक्शन किया तो ऐसा लग रहा नहीं चाहिए था कि लड़का पहली बार एक्शन कर रहा है, एंड इट वाज वेरी नाइस. एंटायर टीम वाज वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट. ऑल द बेस्ट अंकित. आई वांट टू से समथिंग ड्यूरिंग द इवेंट वी वेंट, द एक्सपीरियंस वी हैड इन द बोट, वी वेंट टू सी नील आइलैंड, एंड हमें तो उस टाइम लगा था कि हम वापस ही नहीं आएंगे. गए हम, इतना इतना मतलब सी का जो क्या रफ हालत होती है, ओफ, इट वाज दैट वाज एन एक्सपीरियंस वो लाइफ टाइम में हम भूलेंगे. I would like Malvika Bajaj, who has done the costumes also, she should say something of her experience of doing the stuff she has done. It's always a pleasure to work with Dada. I have done lot of TVCs with him, and I wish I could work on a film with him, but this was like doing a small film only, and it was a trailer actually. And because of Dada, I got a chance to work and style Richa Chadda, and of course Ankit. He's somebody who looks amazing in everything you put him in. So, and of course Dada's ideas, how to make things and how to make things just perfect. It just makes you, like, you know, just grow and improve on in whatever you do. So it's a pleasure to work with him. Thank you so much. Thank you so much for everyone. Thank you so much. I think the team which is standing right here, which has put up this amazing project, deserves one more big round of applause. I have to say this. Team, all of y'all have, I think, set a whole new standard for Indian music videos. The visuals, the music, the lyrics, everything is so amazing. Congratulations to the entire team. I'm sure Neel Samandar is going to top the charts. All the very best to the entire team. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us here today. Thank you. अरे कम करो कम करो उसको कम करो क्या कर रहे हैं अरे ये देखिए ठीक है नहीं जा रहा है ये जा रहा है डायरेक्ट चलो यार रोल करे हाँ रोल रोल यार फ्लाइट में रोल रोल है सर रोल है रोल रोल ये घूम रहा है ये बैड बॉल बता रहा है नीचे रख भाई बैड बॉल बता नीचे रख इसका क्या करना है कुछ करना नहीं इसका नील समंदर जो गीत है ये मेरे लिए बहुत मजेदार अनुभव रहा, क्योंकि मैं
प्रदीप दादा की लगभग सब फिल्मों के गाने मैंने लिखे हुए हैं, एक फिल्म के नहीं लिखे जो उन्होंने बनाई थी मर्दानी, उसके अलावा मैंने सारी फिल्मों के गाने लिखे हुए। तो मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है, वो सिर्फ मुझे आवाज़ देके बुलाते हैं कि भाई आ जाइए गाना लिखना है। तो उन्होंने कहा कि एक नया लड़का है अंकित, इसको लॉन्च करना है और एक अंडमान में वीडियो शूट करना है, और उस हिसाब से तो एक अच्छा सा गाना लिखा। मैंने गाना लिखा अंडमान का जो विजुअल मेरे माइंड में आया और एक लव स्टोरी थी, तो उसके हिसाब से गाना लिखना शुरू किया। और वो गाना दादा को दादा जैसे दादा दादा हमारे यहाँ इंडिया में म्यूजिक वीडियो के मास्टर हैं सर, इतने बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो दादा ने बनाए हैं, इंडिया बसंती रे से लेके धूम पिचक धूम, धूम पिचक से लेके मायरी, ऐसे मतलब इंडिया में म्यूजिक वीडियो का जो जॉनर है उसको उसकी शुरुआत करने वाले दादा, तो हमेशा उनके वीडियो उनके म्यूजिक वीडियो में एक यूनिक चीज़ होती है। और उन्होंने इस बार उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तू फिल्म के लिए नहीं लेकिन एक म्यूजिक वीडियो के लिए लिख, और वो लिखने का काम मैंने किया। उसके बाद मीत ब्रदर्स के पास हम गए, उनके साथ फिर मैंने जैसे कहा कि मीत ब्रदर्स का एक कमर्शियल बंच होता है, तबका होता है, तो उन्होंने वो तबका इसमें लगाया। मैंने कभी पहले पंजाबी नहीं लिखा था, तो इसके थोड़े से पंजाबी बनाए लिरिक्स को, एंड यू सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीचर फिल्म, जैसे गाना नहीं है, पूरा वीडियो है, पूरी कहानी है, पूरी लव स्टोरी। फिल्म और म्यूजिक वीडियो में क्या डिफरेंस होता है? देख फिल्म और फिल्म में तो कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए आप लिखते हो, लेकिन इसमें म्यूजिक वीडियो ये समझ लीजिए कि एक छोटी फिल्म होती है अपने आप में, और आपकी आपकी लिरिक्स के थ्रू एक छोटी कहानी आप उसमें बताने की कोशिश करते हो। तो लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी फिल्म के लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी कहानी का एक छोटा हिस्सा होते हैं, और म्यूजिक वीडियो के जो लिरिक्स जो होते हैं वो एक छोटी कहानी का बड़ा नरेशन है। गाना लिखने की बात की जाए तो आजकल जो पुराने गाने ये हमारे इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग किस्म के दौर आते रहते हैं, और उसमें से ये एक दौर है कि अभी हम पुराने गानों को रिमिक्स करके नए कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सैड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे देश में टैलेंट बहुत है, और मुझे लगता है कि नए गाने भी उतने अच्छे बन सकते हैं, बन रहे हैं, बन रहे थे, बट मुझे लगता है कि वो क्योंकि सुने हुए गाने की पॉपुलर अपील ज़्यादा होती है, तो लोग कंपनी उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती, उसको दोबारा बट आई थिंक वो दौर चेंज होगा, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में दौर आते रहते जाते हैं, तो ये दौर भी चेंज होगा। बिल्कुल बीच में गायब हो जाता है, फिर डर लगने लगता है कि लिरिक्स का क्या हुआ, लेकिन अभी जैसे गली बॉय फिल्म आई है उसके अंदर जो लिरिक्स है वो एकदम ही नए तरीके के लिरिक्स है, और सिर्फ लिरिक बेस्ड ही है, उसमें तो म्यूजिक ही नहीं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लिरिक्स का बहुत महत्व है, और हमारे लोग लिरिक्स सुनते हैं, हमारे इंडिया के लोग लोग शब्दों से गानों को आप शब्दों से जानते हैं ना, भाई कोई कौन सा गाना है, भाई पिया बसंती शब्द, तो लिरिक्स का इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो लिरिक्स होते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, या वो बुला दिए जाते हैं, सिर्फ म्यूजिक वीडियो जो म्यूजिक में फीचर करते हैं वो सब लोगों को याद रहते हैं। ये ट्रेजेडी है हमारी इंडस्ट्री की, लेकिन अब इसी में से रास्ता निकालना पड़ता है, लेकिन अभी इस वक्त में जितने अच्छे लिरिक राइटर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उतना मेरे ख्याल से कभी नहीं किया होगा, इतने अच्छे लोग हैं, कम से कम 15-20 नए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। ये प्लस वन नहीं किया,
खुश सुना
कलाकार ने बैन किया गया है।
Thank you.